हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे अवंती फीड्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इसके एनालिसिस में हम लोग देखेंगे ये अभी डाउन ट्रेंड में है, हम लोग को साफ नज़र आ रहा है। यहाँ से गिरने के बाद अभी तक इसने एक बार भी अपना हाई ब्रेक नहीं किया है, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे ट्रेडिंग चल रहा है, जिस तरीके से पैटर्न बिल्ड हो रहा है, हो सकता है यहाँ पे हम लोग को एक ऊपर की ओर छोटा सा मोमेंटम देखने को मिले, क्योंकि पैटर्न उस तरह का बन रहा है। नीचे की ओर अभी 400 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसको इसने ऑलरेडी दो चार बार टेस्ट कर रखा है और यहाँ से ये इसने 400 के लेवल के नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं दिया है। अगर इसके नीचे एक बार हम लोग को क्लोजिंग मिल जाती है तो हमें यहाँ पे नीचे का लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हो सकता है एक ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे इसने ऑलमोस्ट ये पूरा महीना निकाला है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा महीना और पीछे यहाँ पे निकाला है इसने, तो यहाँ पे इस तरीके का सिचुएशन है। यहाँ पे ब्रेक किया था लेकिन फिर से इसी रेंज में आके ट्रेड कर रहा है। अगर ये इसको यहाँ से 408 से 424 मीन्स यहाँ से 20 रुपीज ऊपर जाने की इसकी प्रॉबिलिटी है, अगर ये यहाँ पे इस लेवल को निकाल देता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद 427 के लेवल को निकालता है तो ऊपर की ओर हम लोग को ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा टारगेट हुआ वो यहाँ से अगर 428 से अगर हम लोग 20 रुपीज़ ऊपर जाएँ तो 450 के आसपास का हम लोग का टारगेट होना चाहिए, और यहाँ पे देखेंगे इसी लेवल के आसपास 444 से लेके 450 के आसपास हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ से हम लोग को आने वाले समय में रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ से अगर ये ब्रेक करके निकलता है, ठीक है, अभी अच्छा फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रेक करके निकलेगा, पोजीशन बनाया जा सकता है, स्टॉप लॉस छोटा होगा और यहाँ से टारगेट मिनिमम 1:2, जैसा कि हमने यहाँ पे देख रहे हैं 445 के आसपास का हम लोग को टारगेट दिख रहा है। कोई भी शेयर में बहुत ही कम क्वांटिटी में बाई करके लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी सारे शेयर डाउन ट्रेंड में है। जब तक ये हम लोग को डेली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में शिफ्ट करता हुआ नहीं दिखाते, हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बाई नहीं करेंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ही कोई भी यहाँ पे सिचुएशन में ट्रेडिंग करना है, और याद रहे जैसा कि मैंने बताया 400 के नीचे यहाँ पे अगर हम लोग को क्लोजिंग मिल जाता है तो ये शेयर फिर से नीचे की ओर आएगा और 390 एक बार रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो कोई डिसीजन आपको अपनी एनालिसिस के बाद में लेना है। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।